वेलकम फ्रेंड एंड फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ इन्फेंट्री रोड धर्मपुरा लाहौर में, और ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम के मज़ार और एक अजीम मुग़ल शख्सियत नादरा बेगम के मज़ार पे जाती है। तो आज ही आपसे बाकी बात वहाँ जाके होगी। तो फ्रेंड, इस टाइम मैं मौजूद हैं नादरा बेगम के मकबरे के छत के ऊपर। नादरा बेगम दराशको की जोजा थी। दराशको शाहजहाँ का बड़ा और लाडला बेटा था। शाहजहाँ जब बिस्तराए अलालत पर था तो औरंगज़ेब और दराशको के दरमियान मुग़ल तख्त के हसूल के लिए जंग छिड़ गई। दराशको जब दोराई की जंग हार गया तो नादरा बेगम और दराशको ने बुलान पास के ज़रिए ईरान भागने की कोशिश की, मगर नादरा बेगम बलोचिस्तान के इलाके में वफात पा गई। तो दराशको ने यह फैसला किया कि जो उसका जो बचा कुचा लश्कर था उसको उसने हुक्म दिया कि वो नादरा बेगम की जसद खाकी को लाहौर पहुँचा दे और वहाँ मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह सलाम के मकबरे के साथ उन्हें दफन कर दें। यह भी ख्याल किया जाता है कि रंजीत सिंह के दौर में जो कीमती संगे मरमर और जो पत्थर थे उन्हें चुरा लिया गया, इसे खस्ता हालत में छोड़ दिया। ये मकबरा अस्सी तोड़ फोड़ का भी शिकार है, जो कि वॉल चाकिंग के बदसूरत ताउन के गोल ड्राफ्टी के ज़रिए जाहिर किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।